चलिए आपको ले चलते हैं हम अपने शहर में, अपना शहर जहाँ मेरा बचपन गुजरा, जहाँ अलाहाबाद, प्रयागराज अभी भी नहीं बोला जाता है, शायद इसलिए क्योंकि अलाहाबाद बस चुका है। वो कल था संगम सा घुला हुआ अल्लाह से आबाद, वो आज भी पानी सा निर्मल है मेरा शहर इलाहाबाद। तहजीब सा मुलायम संघर्ष सा कठोर, अवध का सरताज तटस्थ अपने वजूद पर, इतिहास पर संस्कृति पर सिरमौर प्रयागराज। अब नाम एक आ रखा है, चाहे वो का अलाहाबाद कही ले हो, चाहे वो का प्रयागराज बोल दे हो, नाम में कुछ नहीं होते है तो आपन ही कौनों कुछ नहीं उखाड़ सकते। जी, शहर इलाहाबाद में आपका स्वागत है। पूर्वी अवध का सरताज इलाहाबाद कला संस्कृति रंगमंच उच्च शिक्षा और शांति प्रिय व्यवहार के लिए हमेशा से जाना जाता है। ना सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बल्कि ज्यूज पारसी एंग्लो इंडियन हाफ ब्रिट हाफ यूरोपियन सब गंगा जमुनी या ये कहिए कि लुक्का छिपी खेलती सरस्वती की तहजीब में कुछ ऐसे घुले मिले हैं मानो मिलकर हमने ये शहर बसाया। एक तरफ यहाँ कुंभ का मेला लगता है तो दूसरी तरफ रोमन आर्किटेक्चर का एक्सेम्पलरी मार्बल ऑल सेंट्स कैथेड्रल भी सिविल लाइंस में प्राइड के साथ खड़ा होता है। एक तरफ दुर्गा पूजा पंडाल में बंगालियों की होपिंग होती है तो दूसरी तरफ नवरात्र में रामलला की चौकी भी क्या निकलती है, और घंटा घर पर रौनक बाजार देखना हो तो ईद पर आइए। सच तो ये है कि इलाहाबाद दो बार उजड़ा और दो बार बसा। सबसे पहले ले चलते हैं जब वो पहली बार उजड़ा, यानी 1857 की म्यूटनी के बाद। हुआ ये था कि अंग्रेज भारत में तहलका मचा चुके थे और अवधियों ने भी ठान ली कि उनको घर तो हम वापस भेज के रहेंगे। संघर्ष शुरू हुआ और 1858 के आसपास अंग्रेजों ने अवध को सबक सिखाने का मन बना लिया। फिर आप देखा ना ताप, 8 गांवों को पांव तले रौन दिया गया, बंदूक गोले बारूद बरसाए गए, लोगों के घर उजाड़े गए, यहाँ तक कि स्तनपान करते नवजात शिशु को माता के वक्ष स्थल से छीन लिया गया, खून की लहू खेली गई, गंगा तट लाल हो गया, शर्मसार भी हो गया, रक्त रंजित हो गया। एक ब्रिटिश ऑफिसर ने अपनी डायरी में कुछ नोटिंग इस तरह की, आप सुनिए। वन ट्रिप आई एंजॉयड अमेजिंगली, वी गॉट ऑन बोर्ड अ स्टीमर विथ अ गन, we steamed up throwing shots right and left till we got up to the bad places when we went on to the shore and peppered away with we killed the niggers shanti priya alahabadi niggers। The book is last bungalow, arvind mishra ji ne तमाम अलाहाबाद की ओरिजिनल एसेज को कंपाइल किया है, बहुत ही खूबसूरत सी किताब है। खैर, इस लहू लुहान भूमि पर अलाहाबाद कॉलोनियल सिटी की स्थापना हुई। वो वक्त था जब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नेंस था ना वो क्राउन के पास पहुंच चुका था और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस से आगरा से कैपिटल सिटी उठा करके अलाहाबाद कर लिया गया था। यहां से 20 सालों के अंदर दो डेकेड्स में अलाहाबाद की रूपरेखा कुछ बदली। इंग्लिश आर्किटेक्चर की तमाम इमारतें, बाजार, विद्यालय, रोड, पार्क्स, क्लॉक टावर, जिमखाना, लॉ कोर्ट, अस्पताल, लाइब्रेरी, सब एकदम मॉडर्न आर्किटेक्चर के साथ आ गए। और सबसे बड़ा बदलाव आया न्यूज़पेपर प्रिंटिंग प्रेस और रेलवे। रुडयार्ड किपलिंग ने रिकी टिकी टावी लिखी थी बेल्वेडोर हाउस अलाहाबाद में। और रेलवे के आने से क्या हुआ, माइग्रेशन होना स्टार्ट हुआ, यानी कि बंगाली पारसी ईसाई कश्मीरी पंडित नेहरू से लेकर ढोंडी चैटर्जी से लेकर छा सारे के सारे लोग माइग्रेट होकर अलाहाबाद में आ गए और मोहल्ले बसने लगे। आलमगंज का मोहल्ला यूनिवर्सिटी के लिए फेमस हुआ, लूकरगंज रेलवे कॉलोनी के नाम से जाना गया, कश्मीरी पंडित हाईकोर्ट के आसपास बस गए। और आज भी पुराने अलाहाबादी बंगाली कॉलोनीज में जाइए तो दुकान के आगे रंगा जावा डिलक सिंदूर बंगाली में ही लिखा मिलता है। अच्छा, इसी बीच अंग्रेजों ने सिविल लाइन्स अपने कब्जे में कर लिया। वो तो नहीं देंगे आम लोगों को, मगर फिर भी हमारे कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कुछ बंगले बना ही लिए, जैसे अल्बर्ट रोड पर तेज सप्रू का पलेशियर बंगला, एडमिंस्टन रोड पर कैलाश नाथ कार्तिक का बंगला, और मोतीलाल साहब के आनंद भवन की तो क्या बात है, आज भी आकर्षण का केंद्र है। इसलिए नहीं क्योंकि ये इमारत खूबसूरत थी,
इसलिए कि इन इमारतों में अंग्रेजों के खिलाफ किए गए संघर्ष के किस्से हस्ताक्षरित किए गए। ये हुई इलाहाबाद की पहली बार उजड़कर बसने की। अब दूसरी बार इलाहाबाद दोबारा बसा 1980 के आसपास। रीवैम्पिंग हुई और इस बार किया हमने, आपने, उस शहर के बाशिंदों ने, नया रूप दिया। अनमेकिंग ऑफ कॉलोनियल आर्किटेक्चर इनटू अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी। अच्छा था या बुरा ये तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं प्लानिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स ये सब धीमे धीमे जाने लगे और इलाहाबाद एक प्रोविंशियल टाउन और कॉस्मोपॉलिटन के बीच में रह गया। पर आज भी सांस लेकर अपने स्पिरिट को खड़ा करने के लिए उसी शिद्दत से लगा। अच्छा, इलाहाबाद का जिक्र हो और जिक्र ना हो अमिताभ बच्चन जी का, नरगिस, हरिप्रसाद चौरसिया, शुभा मुद्गल जी, अकबर द ग्रेट, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अकबर अलाहाबादी, हरिवंश राय बच्चन, मतलब क्या तो लंबी लिस्ट है। ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है इसे। और जिक्र ना हो कुंभ मेले का, ये कैसे हो। कुंभ मेला जो बहुत विश्व प्रसिद्ध है, एक्चुअली अगर आपको सच बताऊं तो उसका ओरिजिन ट्रेसिबल नहीं। अभी भी अगर आप राइटिंग्स में वापस जाएं तो माघ मेले का जिक्र तो है। 1800 में माघ मेला हर साल होता था, विच वॉज अ मार्केटिंग कम बेदिंग फेस्टिवल, ग्रैंड फेस्टिवल, लोग आते थे नहाने के लिए। 1860 में पहली बार, ऐसा रिकॉर्ड्स बताते हैं कि एक ग्रैंड फेस्टिवल हुआ, फुटफॉल ज्यादा थी। 1864 में दूसरी बार जिक्र हुआ कि इस बार माघ मेला में एक्सेप्शनल क्राउड आया, कई लोगों ने उसको कुंभ का नाम दिया। 1870 में पहली बार ऑफिशियली रिकॉर्ड्स में कुंभ मेला गया और उसके बाद से हर 12 साल में वो फेस्टिवल ऐसे मनता है कि पिछले साल 24 करोड़ लोग एक साथ 40 दिनों के लिए इलाहाबाद में थे, 49 डेज के लिए प्रिसाइसली। 3 विश्व रिकॉर्ड बने, 71 कंट्रीज के एम्बेसडर्स इलाहाबाद में आए थे। और अब जाते जाते वो मेरा बचपन जो इलाहाबाद की गलियों में गुजरा, इलाहाबाद की जुमलों के बीच गुजरा। कहते हैं ना इलाहाबाद में ठासक है। अब आप पूछेंगे भैया ठासक क्या होती है, तो भैया ठासक वो है जो बच्चन जी में भी उतना ही है जितना कि इलाहाबाद के रिक्शे वाले में। उससे पूछो कि भैया सिविल लाइंस चलोगे, तो वो हाँ या ना नहीं बोलेगा, बोलेगा चलवे का है ना। तो हमने ना हमसे कोई ऊपर, ना हमसे कोई नीचे, ना हमसे कोई आगे भाई, ना हमसे कोई पीछे, हम तो बस हम है। मेरे एक दोस्त ने पूछा कि हम कौन है भाई, तुम ही हो। हमने कहा नहीं, हम, मैं और मेरा खुदा, हम तो साथ ही चलते हैं, अलग नहीं। तो इस ठसक में कई जुमले गड़े गए, कोलोकियल लैंग्वेज। ब्रिटिश और पुराने लोगों ने हमारे पास एक थप्पड़ यानी स्लैप छोड़ दिया, मगर हमने उस थप्पड़ का लप्पड़ कंटा और पड़ाका भी बना लिया। अब आप पूछेंगे ये सब है क्या, तो लप्पड़ इज अ स्लैप ऑन द चीक, कंटा इज जस्ट नियर बिलो द ईयर, पड़ाक इज माय हैंड हैज एक्सीडेंटली स्लिप्ड ऑन योर फेस। तय मौका नहीं जाना था, You don't know me, you're bad. ज्यादा बकैती ना झापो, don't be over smart. अबे का झाम है, what is the confusion? बहुत भोकाल बनाए हो, हाँ भोकाल over display. जैसे हमने बनाए पिछले एक घंटे से खूब सारा भोकाल है, इलाहाबादी भाई बनाएंगे, क्या कर सकते हैं। मगर असल में अकबर इलाहाबादी जी का की दो लाइनें हैं, उससे ही इस सेशन का है। इलाहाबाद को याद करो तो हमेशा वो याद आता है, हर जर्राए चमकता है अनवरे इलाही से, हर सांस ये कहती है कि हम हैं तो खुदा भी है। बस यही है इलाहाबाद। बहुत शुक्रिया।